I'm with you. So many things I do, and girl, you never want to judge. But maybe you're the reason that I ever fell in love. You never gave me drama, so no. हेलो व्यूअर्स, वेलकम चैनल हाईटेक रोहित, थैंक यू फॉर लविंग सपोर्ट। दोस्तों, आज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ओयो में कैसे रूम बुक करते हैं, इसके पीछे जो मैंने एक वीडियो बना रखी थी, और अभी जो है मैं ये वीडियोस ओयो रूम में बैठ के शूट कर रहा हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम ओयो में रूम बुक करा है, तो कैसा है रूम का एक्सपीरियंस मेरा और कैसा मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है, उस समय इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में बने रहिए और आगे से मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का रूम है, सब कुछ बताता हूँ। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा। तो ये है दोस्तों, इस ओयो का जो हॉल होता है वो है, और बात करूँ इसके सोफ़ा का क्वालिटी का तो काफ़ी सही, और इसका जो आप वॉल का डिज़ाइनिंग देख सकते हो बहुत मस्त लग रहा था एक्चुअली रूम में, इससे भी अच्छा डिज़ाइनिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे आप यहाँ से पानी वानी भर सकते हो, और मेरा जो रूम था यहीं पर है 301, तो मैं इसमें आपको चेक इन करके दिखाता हूँ कि किस तरह से मेरा रूम दिया हुआ है मुझे। तो दोस्तों, ये है इसका कंफर्ट बेड, और ये हो रहा है इसका वॉल। तो वॉल की डिज़ाइनिंग बहुत सही लग रही थी, इसे मैंने एक्सपेक्ट किया नहीं किया था, उससे भी कहीं बेटर इसकी जो है वॉल क्वालिटी थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो रूम कितने वेल डिज़ाइन किए हुए हैं, और इस रूम में दो आप विंडो देख ही रहे हो, एक इस साइड हो गया, एक उस साइड विंडो लगा हुआ था। ये हो गया मेरा बेड, और बाकी कुछ तो सही दिख रहा है। और अगर बात करूँ मैं इसकी ऊपर लाइटनिंग की और पंखा की, तो वो काफ़ी सही है, संग में एसी भी लगा हुआ है। तो फिलहाल तो अभी ठंडी का टाइम है, तो एसी का काम तो पड़ेगा नहीं। और ये दिया हुआ है एक छोटा सा चेयर, यहाँ पे बैठ के अपना कोई पर्सनल काम, ऑफिस का काम कर सकते हो। और यहाँ पे है दोस्तों, मेरे ख्याल से ये शायद बाथरूम हो सकती है, ओके मैं दिखा रहा हूँ। ये रहा मेरा टीवी, जो काफ़ी सही लग रहा है। और अगर इसे मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हो, हाँ जी हाँ, ये रहा मेरा बाथरूम यहाँ पे, तो काफ़ी सही लग रहा है दोस्तों, अच्छे से क्लीन करके रखा है वो वालों ने। और ये रहा इसका पहला विंडो, तो इसका बाहर का अगर नज़रिए का बात करूँ तो आप देख रहे होगे, वाओ काफ़ी सही है यार, काफ़ी गजब का नज़रिया लग रहा है यहाँ से। बट ठीक है, किसी का अपना पर्सनल रूम हो सकता है वो, तो मुझे इससे तो कुछ खास काम है नहीं, तो इसे मैं बंद ही रहने देता हूँ। तो चलिए पहले इसे मैं बंद कर देता हूँ, पहले मैं इसे बंद कर देता हूँ। और इसके साथ इसका एक और विंडो है, उसे मैं अभी एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो चलिए अपना सेकेंड विंडो की तरफ आते हैं। तो दोस्तों, इसे यहाँ से ओपन करते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे कुछ इंडस्ट्री टाइप का दिख रहा है, बट वहाँ पे आप देख रहे हो एक ब्लू रंग की लगी हुई है गाड़ी, और वहाँ से एक स्कूटी भी आ रही है दोस्तों। और यहाँ पे देख रहे होगा आप कोलकाता गेस्ट हाउस, तो दोस्तों मैं इसी में आया हूँ जो ओयो ने रिजर्व कर रखा है, और यहाँ से रास्ता यहाँ पे इन करने की, तो मैं इसी रास्ते से होकर मैं भी आया था अभी। तो दोस्तों चलिए, ये रहा इसका आउटलुक, तो आपने देख ही लिया होगा। तो मैं इसे बंद कर देता हूँ, और अब दिखाता हूँ आपको रूम का जो ये है हमारा अलमीरा, और ये रहा मेरा जो बेड दिया है उन लोगों ने। देख तो वॉल की क्वालिटी देख रहे हो, जो डिज़ाइनिंग की हुई है एक्चुअली बहुत ही सही लग रही है, मतलब बहुत अच्छी फील दे रही है। और बात करूँ इसका बेड क्वालिटी की, तो वो भी काफ़ी सही थी। और यहाँ पे दोस्तों अलमीरा में आपको 3 अलग अलग तरह का ये मिल जाएगा, जहाँ पे आपको कपड़े रखने के लिए, फिर आपका जो भी कम्फर्ट उनका सामान होगा उसे रखने के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो इसे बंद कर देता हूँ, इसमें 3 है, और यहाँ पे हैंगर भी दिया हुआ है अपने कपड़े पर सही से रखने के लिए। और दोस्तों इसके अंदर भी एक और है, तो फिलहाल मुझे इसकी कोई काम तो है नहीं, तो इसे बंद करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो जो इसकी रूफ़ है वो काफ़ी वेल डिज़ाइंड है, एंड ये टीवी बहुत सही है। और अब आपको बारीकी से देखना होगा दोस्तों कि इसकी वॉल की क्वालिटी आप देख रहे हो कितनी ज़बरदस्त है यार, क्या गज़ब की फील दे रही है ये। तो ये 3D किया हुआ है ये वॉल, जिसमें आपको अपनी आँखों से जब आप देखोगे तो अलग तरह का एक लाइटनिंग देता है। तो ओवरऑल यही थी दोस्तों, बहुत रही मेरी रूम की एक्सपीरियंस, बहुत अच्छी रही, और मैं आप लोगों से रिकमेंड करूँगा अगर आपको अपना टाइम क्वालिटी टाइम स्पेंड करना तो आप ज़रूर यहाँ आए। सो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों ने इस वीडियो को काफ़ी एंजॉय किया होगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि जो लोग कभी ओयो में विजिट नहीं किए हैं उन लोग पता चल सके कि ओयो का रूम कैसा होता है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा, रूम काफ़ी सही थी, स्टाफ का बिहेवियर वाज फैबुलस, रूम क्वालिटी वाज फैबुलस, और ओवरऑल मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत ही सही रहा। तो मैं बस आप लोगों के लिए आया था कि इस वीडियो को शूट कर सकूँ और आप लोगों को दिखा सकूँ कि ओयो का रूम कितना बेटर होता है, आप लोग आराम से अपना क्वालिटी टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। तो बस दोस्तों, इस वीडियो को आप लोगों को एक लाइक जरूर करना है, प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और मेक श्योर अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरह और वीडियोज मिलती रहेंगी। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में आपको लास्ट देखने रहेंगे सो मच। और दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड और कुछ भी जाननी है, कुछ भी पर्सनल हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको पर्सनली कमेंट में हर एक का हेल्प करूंगा। तो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज मेक श्योर कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा।